ऐश्वर्या राय और सलमान खान कई फिल्मों में साथ काम करते हुए नजर आ चुके हैं। दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ियों में शुमार किया जाता है। एक दौर था जब सलमान और ऐश्वर्या ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी बहुत चर्चाओं का हिस्सा थे। यहां तक कि ऐश्वर्या का सलमान के घर आना जाना आम था। ऐश्वर्या राय का सलमान और उनके परिवार से बहुत अच्छा रिश्ता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ऐश्वर्या ने एक दिन सलमान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। बता दें कि उस वक्त ऐश्वर्या के मुंह से भाई सलमान के खिलाफ बातें सुनकर सोहेल खान से रहा नहीं गया और उन्होंने मीडिया के सामने तमाम बातें कही। दरअसल सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच अनबन का मामला तब आने लगा जब एक्ट्रेस ने मीडिया में सलमान पर तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि सलमान शराब पीते थे और अब उन्हें अब्यूज़ भी करते थे। जी हाँ, तो ऐश्वर्या ने यह आरोप भी लगाया था कि वो दूसरे एक्टर्स के साथ उनका नाम भी जोड़ते थे। रिपोर्ट्स की माने तो ऐश्वर्या ने सलमान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे उन पर शक किया करते थे, को स्टार्स के साथ उनका नाम जोड़ते थे, शराब पीते थे और गालियां भी देते थे। मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। ऐश्वर्या ने आगे कहा कि कई बार ऐसा हुआ कि जब मेरे चेहरे और शरीर पर निशान हुए जिन्हें मैंने मेकअप से छिपाया है, इस कारण से मैंने सलमान से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद भी वो मुझसे संपर्क करने की कोशिश किया करते थे। सोहेल खान ऐश्वर्या के इस स्टेटमेंट से बहुत गुस्से में आ गए थे। सलमान और ऐश्वर्या का ये पंगा काफ़ी समय तक मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन खान परिवार ने एक बार फिर सलमान की तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की थी। हालांकि सोहेल खुद को नहीं रोक पाए और मीडिया के सामने आ गए थे। सोहेल ने तब तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब मीडिया के सामने आकर ऐश्वर्या रो रही थी, तब क्या था जब सलमान के साथ वो घुमा फिरा करती थी, हमारे फैमिली मेंबर की तरह हमारे साथ रहती थी, हमारे घर उनका आना जाना था, खाना पीना था, तब उन्होंने अपने रिश्ते को सलमान संग कबूल किया था, तब कभी खुले तौर पर सलमान संग अपना रिश्ता एक्सेप्ट किया था, तब तो ऐश्वर्या ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उल्टा ऐश्वर्या ने सलमान को इनसिक्योर फील कराया था। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।